विकास की गंगा किस ओर बहेगी और कौन बनेगा गांव का राजा, किसके सिर पे होगा ताज इस बार इस चुनाव में, क्या होगी बहार। आपको बता दें कि जूठवाड़ा पंचायत समिति से गिरिराज चौधरी जो इस बार मैदान में उतरे हैं और लोगों का रुझान उनकी तरफ देखते हुए दिखाई दे रहा है। दिखाते हैं संवाददाता विशाल की खास रिपोर्ट। आइए चलते हैं राजस्थान में। आज चुनाव के आखिरी दिन कल है यहाँ पे वोटिंग, जनता की राय मशवरा जानने के लिए कि जनता क्या चाहती है, किसे वोट देना चाहती है, किस प्रत्याशी ने जनता के लिए काम किया। चलते हैं जनता के बीच, आइए जानते हैं। हाँ जी, आपका नाम माता जी? हाँ जी, राम प्यारी जी, आप किसको वोट देंगे? ये कौन सा चुनाव चिन्ह है इनका? मतलब आपके लिए आदमी ने इतना काम करा, सिर्फ आप आदमी को जानती है, पार्टी को नहीं। देखिए आदमी का काम कि सिर्फ काम से आदमी की पहचान है, पार्टी की नहीं। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? ये देखिए गिरिराज जी का आप वर्चस्व। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल जी और तो सर आपके लिए क्या किया गिरिराज जी ने क्षेत्र में जो आप करेंगे तो मौका तो आप देंगे जो करेंगे। ओके सर, मतलब आपका आपके पर्सनल रिलेशन इतने मजबूत है कि आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, आपका नाम? अच्छा वर्मा जी, आपको क्या लगता है यहाँ से किसकी जीत और कैसे आई और आप किसके बहुमत में? आप इस क्षेत्र से देख सकते हैं लोग पूर्णतः बीजेपी के बहुमत में है। जहाँ कांग्रेस राज्य है राजस्थान में, वहाँ बीजेपी का कितना वर्चस्व है इस लोकल क्षेत्र में, ये आप खुद देख सकते हैं। हाँ सर, आपका नाम? लाला राम है सर। हमारे साथ है लाला राम जी, आपको क्या लगता है सर यहाँ किस किस सीट आएगी? अच्छा सर, तो ओके सर, तो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी का जो है छवि कैसी है? ओके, और यहाँ कोई निर्दलीय वगैरह उनके डाउन? ओके सर, आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह कार्यकर्ता का है। हाँ सर, आपका नाम? बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, आपको क्या लगता है यहाँ कौन आएगा? इन्होंने इतना क्षेत्र में अपना नाम करवाया है, 15-20 साल से समाज सेवा में। देख सकते हैं आप समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं गिरिराज जी। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र से? क्षेत्र से अच्छा विकास करने को तो आप किसको वोट देंगे? बीजेपी बीजेपी सब तरफ। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं गिरिराज जी के पास कि उनका ऐसा क्या वर्चस्व है कि उन्हें हर आदमी गिरिराज जी का नाम जानता है, पार्टी से ज़्यादा गिरिराज जी को यहाँ जाना जाता है। हाँ सर, आप अपने बारे में बताएं। मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। मैं जोटवाड़ा पंचायत समिति वार्ड नंबर 12 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। इससे पूर्व मैं जिला पार्षद इसी क्षेत्र से था और इससे पूर्व मैं पंचायत समिति मेंबर था, इसलिए मेरा ये चौथा चुनाव है और इसमें लगातार मैं क्षेत्र की जनता के लिए एक नेता के रूप में नहीं काम करता था, एक जनसेवक के रूप में कार्य करता था, जिसका अपार समूह मेरे को इस क्षेत्र में एक स्नेह के रूप में, वोट ही नहीं स्नेह भी मेरे को साथ साथ मिल रहा है। और मैं जहाँ गया हूँ कि मैं आज से पहले ही, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और कल से वोटिंग होगी, तो सब लोगों का एक ही मानस है कि गिरिराज जोशी और भारतीय जनता पार्टी जिसमें इस क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो। मैंने पूर्व में जब मैं जिला पार्षद था तो इस क्षेत्र के लिए मेरे लिए वार्ड 33 था। 33 में मैंने लगभग BDA से और PWD से हमने से मिलकर सड़कों का मैंने 100 करोड़ रुपये की सड़कें इस क्षेत्र के लिए बनवाई और इसे तीर्थावास के लिए मैंने मेट्रो स्मार्ट लाइट जो पीछे लालचंदपुरा के उस क्षेत्र से चलती है और यहाँ से जो ये हाथों से सरना डूंगर के लिए बड़ी रोड मैंने भी बनवाई, 2 बार बनवा दी इसको। मैंने यहाँ बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इन कार्यों के बदले लोगों की भावना मेरे लिए अच्छी तरह से जुड़ी है और मैं आगे भी ये कहना चाहूँगा कि मैं इन लोगों के बीच में एक जनसेवक के रूप में ही रहूँगा और इन लोगों का जो भी दुख और दर्द होगा मैं उसको अपना दर्द मान कर उनके बीच में इनके आँसों के साथ जीने की मेरी तमन्ना है और मैं इस क्षेत्र के लिए हमेशा कार्य करने के लिए प्रयास करूँगा। लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, यही मैं कहना चाहूँगा। आप देख सकते हैं जमीन से जुड़ा आदमी 20 साल से अपने क्षेत्र के लिए किसी ना किसी तरीके से कार्य कर रहा है, उस कार्य को देखते हुए एक भी क्षेत्रवासी जो पार्टी को नहीं एक आदमी को जानता है, कौन? गिरिराज जोशी।
उनसे पूछिए पार्टी, तो उसने पार्टी नहीं पता, पर गिरिराज जी को वोट देंगे क्योंकि इन्होंने जमीन से जुड़ के 20 साल तक काम किया है इस क्षेत्र में, और जितना विकास ये क्षेत्र के लिए चाहते हैं उतना किसी पार्टी से ज़्यादा पर्सनली अपने